चतुर्दंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य ओम गजानन भूतिगणाधिशयित कपित जम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। प्रथमे गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश तृतीय शिमिरोमा शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जिन से भया शरीर नमो नमो गुरुदेव के जिन दिया भजन लाल देह लाली नस हरिधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो शिव बलम मसवा। चंद्र तपे सूरज तपे उदगण तपे आकाश इन सबसे बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो स्तुते। विनय करूं कर जोड़ और भूल क्षमा कर दीजिए देख भगत त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चे दरबार की बोलिए खाटू नरेश की। प्रेमियों एज ऑलवेज रोहिणी सचमुच में एक छोटा खाटू धाम बनता जा रहा है बन गया और जितनी भाव से श्रद्धा से लोग जुड़ते हैं सचमुच में शाम सुनता है तभी आप लोग आते हैं। कीर्तन में बैठकर जो भी मन में भाव आते हैं ये अटल सत्य है। एक एक शब्द को ये ध्यान में रखते हैं और कृपा बरसती है। हमारे कलकत्ते में माँ काली का बहुत बड़ा दरबार है। कभी भी आप कलकत्ता आइए तीन जगह जाना मत भूलिएगा। काली घाट माँ काली का सच्चा दरबार, शमशान घाट के ऊपर में बाबा भोलेनाथ का भूतनाथ दरबार,
और श्याम बाबा का एक ऐसा भव्य दरबार जहां पर मेरा विश्वास है कि खाटू धाम के बाद में हर दरबार में सकलाई है, लेकिन उस दरबार में मैंने देखा कि जितनी देर मंदिर खुला रहता है उतनी देर फेरी देने वालों का तांता लगा रहता है। आपको अगर फेरी देनी होगी तो बड़ी मुश्किल से आपको जगह मिलती है। बहुत सच्चा दरबार, बहुत अर्जी में सुनवाई होती है। ये तीन दरबार कभी भी आए कलकत्ता जरूर कोशिश कीजिए, आपको मौका मिले। मुझे हमेशा ग्लानी रहती थी, कीर्तन के माध्यम से बताता हूँ कि मेरे कलकत्ते के अंदर में काली घाट है और मैं काली जी के दर्शन दो दो तीन तीन साल तक नहीं कर पाता, अपने कारण ही। कीर्तन करके जब घर पहुंचते तो शरीर में जान नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। पिछले कुछ दिनों से मन में हमेशा यही रहता था, इस दुर्गा पूजा के अंदर में महाअष्टमी के दिन रात को 12:15 बजे जैसे माँ काली ने खुद आवाज देकर बुलाया, कोई प्रेमी साथ में थे, चलो भैया काली घाट चलते हैं। उन्होंने कहा महाअष्टमी का दिन है, इस दिन पूरी दुनिया उमड़ती है, बोलो भैया चलो। ले गया मुझे काली घाट, और 50 सालों के अंदर में जो दरबार के अंदर में पूजा महाअष्टमी के दिन जो असंभव है उस दिन माँ ने करवाई। मेरी आंखें छलक गई कि माँ मैं आपसे दूर रहा लेकिन आपने फिर भी मेरी पुकार सुनी, मेरे मन में भाव आए। कीर्तनों में जब आपके काली जी की जब वंदना करता हूँ तब भाव आए कि आपके दरबार में मैं नहीं गया, मैं नालायक था, लेकिन आपने माँ का फर्ज निभाया, मुझे दरबार में बुलाया। ये सिर्फ माँ के लिए नहीं प्रेमी, ये वाक्य मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप कीर्तन में बैठे हैं और आप में कोई कमी, आपके कारण कोई कमी है भी, तो इतना बड़ा दातार है कि हमारी पुकार सुन लेता है, हमारी कमियों को ढक देता है, हमारी गलतियों को माफ कर देता है। इसलिए जब भी दरबार में बैठें, दरबार के दरबारी बने, क्या पता कौन सा भाव इनसे आपको जोड़ दे और आप पर कृपा बरस जाए। आइए एक जयकार के साथ मैं निवेदन करूँगा, सबको मिलकर एक जयकार लगाएं और उसके साथ कीर्तन शुरू करें। बोलिए सांचे दरबार की,
डॉक्टर नरेश की। आइए देखिए, सुर ऐसा होता है ना, सुर एक ऐसी चीज होती है, अगर एक स्ट्रिंग बच जाए कहां से कहां चला जाता है, कहां हम चले गए, आइए जो चले गए वही बजाओ। सुन ले कमल, मेरे से ही गलत सुर निकला, शायद बाबा ये पुकार सुनना चाहता हो, क्या पता किसी की अर्जी लगने वाली हो, इसलिए बाबा ने शायद ये भजन चेंज कर दिया। आइए, हम पे क्या बीती कैसे बताएं, हम बोलेंगे सुन ले कन्हैया, ये बोलो ना।
तारो न तारो ये है,
बोलिए खाटू नरेश की जय। आइए फ्रेंड, एक भजन काफी दिन से नहीं गाया। एक भजन बहुत लोगों ने बोला कि भैया ये भजन सुनाइए। अच्छा, जिनके पास कुछ नहीं है उसको तो दरकार है ही, लेकिन जिनके पास सब कुछ है इस मुगालते में मत रहना कि हमारे पास सब कुछ है चला लेंगे, क्योंकि अगर सब कुछ है ना तो सिर्फ एक नजरों का खेला है। नजर सीधी डायरेक्ट पड़ रही है इसलिए सब कुछ है, और जरा सी नजर इनकी घूम गई सब खत्म हो जाता है। इसलिए ये भाव दोनों पक्षों के लिए है, जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए तो है ही, और जिनके पास सब कुछ है उनके लिए भी ये भाव है। इसलिए दिल से गाइए। तेरे दर पे आके मेरी आँख रोई, तेरे दर पे आके मेरी आँख रोई, मेरी आँख रोई, कलाई आप
लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। आप ये उनको अपना समझकर अपनी बात शेयर मत करना, दो मिनट में लोग पराए हो जाते थे। लेकिन अगर इनका चित्र सिर्फ एक कागज का टुकड़ा अगर घर की दीवार पर चिपका रखा है और आते जाते अपने दिल की बात उस कागज से कहते हो ना, तो कसम खाटे वाले की कागज भी बोलने लग जाएगा। उनको यहाँ की बात सुनाओगे, आपको कागज के अंदर में से एहसास होगा कि कुछ बोल रहा है, रास्ता दिखा देगा। और जिनको अपना अपना समझ रहे हैं, ये रास्ता दिखाना तो दूर, गड्ढा और छोड़ देने के लिए।
सुनता आ रहा हूं और एक दिन ये भजन कनेक्ट हो गया और बाबा ने उसी दिन ये भजन गवाया। सच्चाई है, कभी भी जब मन थोड़ा सा भी हल्का होना अगर ये पुकार लग जाए तो सुनता है पुकार। इसलिए जिनको जिनको भरोसा है मैं निवेदन करूंगा सब पर मिलकर मेरे साथ गाएं बाबा को। मेरी जो लाज है Yeah.
बोलिए सच्चे दरबार की। कल खाटू कौन कौन था? क्या बात, जो नहीं जा रहे हैं वो भी आया करो, कोई एक दिन बना लो। मैं ये नहीं कहता कि 11 को ही जाओ, लेकिन 11 को क्या होता है, 11 को जाते हो ना तो बाबा के दर्शन भी होते, कीर्तन भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में कीर्तन हो उसकी बात ही अलग है। और कीर्तन भी ऐसा, कीर्तन का मतलब ये नहीं कि कला भवन में, नहीं, कीर्तन कहीं भी हो, मित्र मंडल में हो, पंचायती में हो, राधे की हवेली में हो, श्याम सखा में हो, श्री सरणम में हो, और सूरत वाली में हो, कहीं भी हो, कीर्तन में बैठो, बाबा के दर्शन करके कीर्तन में बैठो, और टूटा फूटा जो भी आओ बाबा को सुनाओ, काम बनाता है। और वैसे सच बात बताऊं तो अमावस्या का भी बहुत बड़ा महत्व है। सुना है मैंने, मैं तो कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं, मत करो बात है आंटी जी, मत, बाबा की बाबा से बात करो ना, वो आंटी तो कल भी मिल जाएंगे। मैंने सुना कि मावस के पहले रात को अगर खाटू जाकर दर्शन करते हैं और सुबह मंगला आरती से पहले श्याम कुंड में नहाकर और वहां जाकर 125 रुपये नारियल की अर्जी लगाते हैं तो सुनवाई होती है, काम बने हैं। बहुत बड़ा महत्व है मावस का भी। कोई भी एक दिन फिक्स कर लो कि बाबा इस दिन आएंगे, पता है क्या होगा, बाबा को आपका इंतजार रहेगा। और जिस दिन बाबा आपका इंतजार करने लगा ना, समझ लो यहां से वहां पहुंचा देगा, कहां से कहां पहुंचा देगा। इसलिए आइए बाबा के दरबार में। एक प्रेमी बहुत दूर से आया, थक कर आया, हार कर आया, पर आकर उसने पुकार लगाई बाबा से, बाबा बच्चा है। टाटानगर घाटशिला, टाटानगर से 50 किलोमीटर पहले, इसकी दीवानगी क्या कहूं, कहीं भी कीर्तन का पता चलता मद्रास चेन्नई कीर्तन है, बिना रिजर्वेशन के जनरल बोगी में चढ़कर चला जाता, हजार हजार किलोमीटर बसों में चला जाता। इस उम्र के अंदर में यह दीवानगी, ऐसे दीवाने जितने पैदा हो रहे हैं ना, जितने बच्चे जिनके अंदर में ये जुनून है, मैं ये नहीं कहता, मैंने इसको समझाया कि बेटा कीर्तन करना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके कारण आपके मम्मी पापा को प्रॉब्लम हो, उनको काम में प्रॉब्लम हो। खाटू जरूर जाओ महीने में एक बार, मम्मी पापा को किसी भी तरह मना लो कि पापा मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो, 3 दिन की छुट्टी दे दो, खाटू जरूर जाओ, लेकिन बाबा के कीर्तन में जाना है। अपने घर के इर्द गिर्द अगर कीर्तन हो और जाओ और बाबा को खूब रिझाओ, एक दिन जरूर आएगा पूरे हिंदुस्तान में बाबा तुमको फ्लाइट में भ्रमण करवाएगा, ये विश्वास दिलाता है। पर ऐसे दीवानों ने कहा, पूरे हाथों से मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे, बड़ी दूर से आया हूं सांवरे
कहने दिल की बात लाज रखो Thank you.
तीन महीने। आइए प्रेमियों, कभी कभी दूसरा वाला को थोड़ा चढ़ा चढ़ जाएगा, लोग ताना ही मार देते हैं कि सचमुच में बाबा यार आता भी है कि सिर्फ दिखावा करते हैं। बहुत से लोग मिलेंगे ऐसे, तब वो दीवाना किसी से कुछ नहीं कहता, बाबा से ही जाकर कहता है, बाबा आपने मुझे पल पल जो संभाला है ना, जहां दुनिया मेरे साये को देखकर मेरे से दूर हो जाते थे, वहां पर आपने मुझे कदम नहीं रखने दिया, अपनी गोदी में उठाकर चला बाबा, आराम आराम से दूर होके बजाते थे। आज यहां तक पहुंचाया, दुनिया को क्यों जवाब दूं मैं कि तू मुझे कितना याद आता है। बाबा आपसे ही कहता हूं कि याद क्यों नहीं आएगी आपकी, और अगर आपकी याद ना आए तो धिक्कार है मेरे इस जीवन पर। आइए मेरी मुफलिसी को मेरी मजबूरी समझ कर मुझ पर हंसते लगी बाबा, मुझको क्या पता था दुनिया एक दिन मुझे रुलाएगी, मुझको क्या पता था दुनिया एक दिन मुझे रुलाएगी, जब तक जीऊंगा ये अखियां नीर बहाएगी, याद क्यों ना आएगी, ना मुझे आएगी, याद क्यों ना आएगी, ना मुझे आएगी, जब तक जीऊंगा ये अखियां नीर बहाएगी, याद क्यों ना आएगी। Yeah.
तेरे होते ये दुनिया अब क्या मुझे डराएगी, जब तक जीऊंगा अपना दिल बहाएगी, याद क्यों ना आएगी, क्यों ना मुझे रुलाएगी, याद क्यों ना पुकार करता है।
आज का दरबार किसको किसको प्यारा लग रहा है? सचमुच में एकदम ऐसा राजशाही महल में बाबा जी आ रहे हैं। छोटी मोटी बात थोड़ी है, हमारा महाराज है, हमारा बाबा है, तीनों लोगों का नाथ है, कलियों का सच्चा देव है ना। ये महलों में भी विराजमान है और प्रेमियों के दिल में भी विराजमान है ना। मैं जब कभी भी आरती करता हूं, खाटू धाम विराजत, भक्तों के दिल में विराजत। सच्चाई ये है कि करोड़ों भक्त ऐसे हैं जिनके दिल में शान विराजमान होता है, और जब पुकारते हैं तब बाबा आता है ना। इसलिए आइए, इसलिए प्रेमी ने कहा बाबा, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तेरा नाम पुकारा है, तूने उस जीवन को हाथों से सवारा है, से सवारा है। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है, उठा लो हाथों को और मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे क्या। बाबा जब Thank you.
के मिलने के बाद कैसा होता है पता है? वही हाल होता है जैसा एक ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन करने के बाद जब डॉक्टर पेशेंट को निकालता है, पेशेंट को होश नहीं होता, तालियां बजाना। दर्द का एहसास नहीं होता। जब वो डॉक्टर जिसको इसने बनाया वो चंद मिनट के चंद घंटों के दर्द को रोक सकता है, तो दुनिया बनाने वाला हमारे जीवन के दर्द को कैसे नहीं रोक सकता। ये अपना काम करता है, इसकी कृपा के एहसास में दर्द दब कर रह जाता है। अगर ऐसा नहीं करता ना तो वो दर्द अगले जन्म के दिन में फिर झेलना पड़ता है। इसलिए दर्द को भी काम करवा देता है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी बराबर करा देता है और हमें भी मक्खन में छुरी की तरह से निकाल कर खड़ा कर देता है। एहसास करा देता है कि बेटा चिंता मत करना, अगर मेरे पर विश्वास किया है तो तेरे दर्द को एहसास नहीं होने दूंगा। Thank you.
मेरा बाबा सिर्फ एक ही चीज का भोग लगाता है, कौन सी चीज का पता है? मैं हमने अगर कह दिया ना कि मैंने किया, ये नजरें घुमा ले, लेकिन अगर हम करके भी सिर झुका लेते हैं ना, तो नीले पर चढ़ कर आ जाता है और सिर पर हाथ फिरा देता है। विदुराइन का खेले का छिल और गुणी विदुर जी खड़े रह गए। क्या है भाई, खिलाओ, खोलो भाव से, अब कुछ भी सुनाओ, कुछ भी खिलाओ। श्याम आता है, सुनता है और खाकर सिर पर हाथ रखकर चला जाता है। बोल खाटू नरेश की। आइए प्रेमियों, दो भजन बाबा के श्री चरणों में। और गिरता आया, पड़ता आया, बस में आया, गाड़ी में आया, कार में आया,
स्कूटर में आया, साइकिल पर आया, पैदल आया, लेकिन तेरे दरबार में आने के बाद सब एक बराबर है। तू ही माँ जी, तू ही साथी, तू सहारा है। बोल, तू ही माँ जी, तू ही साथी, तू सहारा है। कौन कौन इस दरबार का दरबारी है? पूरे हाथों को देखो, बार बार गुस्सा मत करना। जितनी बार हाथ उठवा रहा हूं, कसम से कोई नहीं देख रहा, मेरा मामा देख रहा है और पकड़ेगा, एक वक्त आएगा। Oh,
Thank you.
Thank you.
बिना पानी के नाव चलाता है, कीचड़ में नाव चलाता है, दलदल में नाव चलाता है। विश्वास है किसको, किसको विश्वास है? Thank you.
मालिक मारो सावरियो बन गयो मैं तो चाकरियो मालिक मारो सावरियो अरे चाकरियो नौकर है और जिसके यहाँ 100-200 स्टाफ काम करते हैं ना वो भी इसके दरबार में आकर कहता है बाबा मुझे नौकरी रख ले है ना किसके किसके भाव ऐसे हैं पूरे हाथ उठा लेना आखिरी पुष्प पे इसलिए सब मिलकर जोरदार आवाज में तालियां बजाकर बोलेंगे मालिक मारो Oh,
प्रेमियों का इस दरबार में आप पधारे। आज बारस का दिन, बाबा सब पर कृपा करे, सबके घर में सुख शांति रहे, किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक बार जोरदार तालियां भाई संजय मित्तल जी के लिए। भाई इतनी तालियों से तो जितनी ऊर्जा जितनी एनर्जी से संजय भाई ने बाबा को दिखाया है, अगर उससे 10 गुना एनर्जी के साथ तालियां नहीं बजी तो समझ लेना जोत का प्रसाद लाइन में लग के लेना पड़ेगा। जोरदार तालियां। और मैं इसी के साथ अपने खाटू श्याम आराधना मंडल के सभी सदस्यों से, सभी पदाधिकारियों सबसे आग्रह करूंगा, सभी एक बार मंच पर आ जाए संजय भैया के सम्मान के लिए। जितने भी हमारे खाटू श्याम आराधना मंडल से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, कार्यकारिणी, सह कार्यकारिणी, संरक्षक, वरिष्ठ संरक्षक, विशेष सहयोगी सदस्य, आप सभी लोग कृपया एक बार सभी मंच पर आ जाए। भैया जाओ मत, सब अनिल जी एक बार मंच पर आ जाओ। सभी सदस्य एक बार मंच पर आए। तब तक मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं। श्री श्याम विशाल वंदना महोत्सव 18 अक्टूबर शुक्रवार को 6:30 बजे से होने जा रहा है रेलवे कंपाउंड बादली रेलवे स्टेशन पे, जिसमें श्री सुरेश गुप्ता जी और अरविंद महल जी और बंटू भैया जी अपनी हाजिरी लगाएंगे। आप सभी लोग जरूर पहुंचना। हाँ सर, और श्री संजय मित्तल जी भैया जी से वहाँ पर विराजमान होंगे, बाबा को रिझाएंगे, और श्री संजू शर्मा जी। एक बार मनोज कंसल भैया जी आप भी एक बार आ जाए, मनोज कंसल जी और बाकी सारे हमारे आइए आइए कंसल जी आइए, हरिओम जी आइए आइए, आप हरिओम जी आगे आइए, सतवीर सैनी जी आगे आइए। अच्छा छापना जी आप ही बता दो, आप आ गए हो, थोड़ा फोटो हटा लो एक बार। मैं इस पे क्यों चलाऊंगा, मैं उसी पे डायरेक्ट चला दूंगा। यूट्यूब नहीं, आपका ना फैन वो फेसबुक पे फैन ऑफ यूट्यूब पे इतना। बहुत बहुत धन्यवाद श्री खाटू श्याम आराधना मंडल की तरफ से श्री भाई संजय मित्तल जी का कोलकाता से पधारे। एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं और कर दूं, एक गाड़ी की चाबी और एक स्कूटी की चाबी मेरे को पंडाल में मिली है। 3-4 बार अनाउंसमेंट हो चुका लेकिन कोई लेने नहीं आ रहा है, जल्दी ले ले वरना मैं दोनों को अपने घर लेके चला जाऊंगा। एक स्कूटी है और या बाइक होगी और एक हुंडई की कोई गाड़ी है। तो आइए सभी भक्तजन आइए आइए। माता योगा पिता तुम्हें हो, क्योंकि उसने कल बाढ़ दी ना ऑडियो बाढ़ दी बोले उसने चलाया था ना कल उसने चलाया था। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि 56 भोग का प्रसाद है सभी भक्तजन लेके जाएंगे, और बाबा की महाआरती के बाद सभी भक्तजन पंक्तिबद्ध होकर व्यवस्था में सुंदर तरीके से जोत का प्रसाद लेंगे। एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 56 भोग के प्रसाद की व्यवस्था सभी के लिए एक जैसी है, सभी बिल्कुल कोई VIP कल्चर नहीं है, सभी के लिए अगर कूपन है तो वो सभी के